सरसब्ज व शादाब वादियाँ, पुरसकून झीलें, दिलफरेब आबशारें, बुलंद बाला पहाड़, घने जंगलात और बहते दरिया। आज मुसाफरान शौक को कश्मीर की वादियों से उठाकर खूबसूरत और खुश अखलाक लोगों की सरजमीन वादिये सवार में खींच लाए हैं। इस वादी में कुदरत अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ जलवागर है। स्वात की खूबसूरत वादियों में एक नमाया नाम वादिये कलाम है। वादिये कलाम कुदरती हुसन से मामूर फितरत की फियाजियों का मुंह बोलता सबूत है। इस जन्नत नसीर वादी में दस्त कुदरत का एक ऐसा अनमोल शाहकार मौजूद है जिसे जुबान आम में मोहरन झील से मौसूम किया जाता है। पहाड़ों के अंदर दूर कहीं सदियों से छुपी हुई ये झील फितरत के अनमोल मोतियों में से एक है। इस झील का बुलावा हमारे नाम आया तो आंखों में तलाश लिए कलाम से निकलकर दिल फरेब रास्तों से गुजरते हुए हम मोहरन की तरफ आजमे सफर हुए। मोहरन कलाम से 40 किलोमीटर की मुसाफत पर शुमाल में वाकई है। इस झील तक पहुंचने के लिए दुश्वार रास्तों के बाइस जीप या एक जानदार गाड़ी की जरूरत होती है। इस कच्ची और शिकस्ता सड़क पर चलते हुए आपको शदीद जिस्मानी मुशक्कत से गुजरना पड़ता है, लेकिन चेहरों पर लगती हुई ताज़ा हवा, पथरीला सा सब्ज मैदान, नीचे बहता हुआ दरिया और नीले आसमान पर उठते बादल आपको सफर की थकन महसूस नहीं होने देते। दरिया के साथ साथ जाती पहाड़ों के दरमियान से बल खाती ये सड़क बहुत ही हसीन मनाजर की अमीन है। हमारी आंखें इस तलिस्म नगरी में मजीद कुछ ढूंढ रही थीं कि अचानक हमें एक मजमे के शोर की आवाज सुनाई दी। यह मजमा था क्रिकेट के शायकीन का, जिसमें छोटी उम्र के बच्चों से लेकर बड़ी उम्र के अफराद शामिल थे। हम भी बेइख्तियार इस अनजान इलाके के अजनबी मजमे में शामिल हो गए, लेकिन बेगानगी का एहसास उस वक्त अपनाइयत में बदल गया जब इस पश्तून मजमे का एक फर्द हमें अपने घर ले जाने पर बज़िद हो गया। हमारे हजार इनकार के बावजूद न सिर्फ वो हमें अपने घर लेकर गया बल्कि हमारी तवाज़ो भी की। जिस तरह ये इलाका खूबसूरत है, इसी तरह यहाँ के लोग मुहब्बतें बखेरने वाले, प्यार करने वाले और मेहमान नवाज हैं। ये लोग मेहमान नवाजी को अपने फ्राइज में सरे फहरिस्त समझते हैं। हमने अपने मेजबान से इजाजत तलब की और दरियाई नालों, बहती नदियों और कच्चे रास्तों से आगे बढ़ते हुए ऊंचे पहाड़ों के अंदर दूर कहीं सदियों से छुपी हुई मोहरन झील की तरफ रवाना हो गए। मोहरन जाते हुए रास्ते में बहुत खूबसूरत मकामात आते हैं। अबशार नामी मकाम इतना खूबसूरत है कि मोहरन जाने वाली गाड़ियां कुछ देर के लिए इस मकाम पर बेइख्तियार रुक जाती हैं। Thank you.
पथरीले मैदान से गुजरते हुए हम एक बार फिर घने जंगल में दाखिल हो गए। ठंडी ठंडी हवाओं के झोंके गाड़ी की खिड़कियों से टकराकर हमें ताजा दम कर रहे थे। दरअसल महज 1 मीटर ऊंचे रास्ते पर हमारी गाड़ी फ्राटे बत्ती गुजर रही थी और ये जीप ट्रैक हमें फितरत के नए रंगों से मुतारफ करवा रहा था। दरख्तों के साए में गाड़ी चलती रही और पहाड़ों में शोर मचाता, गुस्सीला जाग उड़ाता, तंग दरों में बहता सब्ज पानियों का दरिया हमारी निगाहों की सिराबी करता रहा। हम नज़ारों के गहरे समंदर में बहते जा रहे थे और दिलफरेब मनाजर को देखकर हमारे सर बेसाख्ता खिड़कियों से बाहर निकलने लगते। हमारी गाड़ी सरसब्ज पहाड़ी गांव में दाखिल हो रही थी और रास्ते में गांव के बच्चे हमें मुस्कुराकर देखते और हम उनको। मोहरन झील की तरफ आगे बढ़ते हुए हमें एक और मचलते हुए दरियाई नाले का शोर सुनाई दिया, जैसे कोई दीवाना पत्थरों पर सर मारता हुआ जा रहा हो। जंगल के बीचों बीच गुजरता हुआ ये दरियाई नाला एक रोमानवी मंजर पेश कर रहा था। जगह जगह रुकने और इंतहाई खस्ताहाल सड़क की नाहमवारी की वजह से तकरीबन 6 घंटे के थका देने वाले सफर के बाद हम मोहरन झील पहुंच गए। अंधेरा छा चुका था और हवा में सर्दी भरी हुई थी। आसमान के सिया आंचल पर लाखों सितारे बिखरे पड़े थे और पुरइसरार खामोशी वादी में गूंज रही थी। इस गुप्त अंधेरे में स्वाय चंद हेमू के दूर दराज तक आबादी का कोई नामो निशान नजर आ रहा था। फिर अचानक हमने एक शख्स को अपनी तरफ बढ़ते देखा। इस हंसते मुस्कुराते शख्स ने हमें खुश आमदेद कहा और हेमू बस्ती की तरफ ले गया। इस शख्स इस अजनबी वादी में हमारी पहली मुलाकात थी, लेकिन उसमें इतनी मेहमान नवाजी और अपनाइत जैसे हमें सदियों से जानता हो। जब सारा मुल्क गर्मी से बुलबुला रहा होता है, तब भी ये इलाका शदीद सर्दी का मंजर पेश कर रहा होता है। सर्दी से बचने के लिए हम कैंप फायर के इर्द गिर्द जमा हुए और सर्द बस्ता लम्हात में तारों भरे आसमान में टूटते सितारों को देखते रहे और न जाने कब नींद की पुरसकून वादी में उतर गए। अगली सुबह की पहली किरणों के साथ हमारी आंख खुल गई और हेमे से लड़खड़ाते हुए हम बाहर निकल गए। सूरज की धूप आहिस्ता आहिस्ता वादी में उतर रही थी। टहलते टहलते हम नदी के किनारे दरख्तों के झुंड में जा खड़े हुए। चारों तरफ बुलंद पहाड़, दरमियान में फैली हुई वादी, सरसब्ज मैदान और उसके साथ बहती हुई नदी एक निहायत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी। मैदान में दूर तक घास का सब्ज कालीन बिछा हुआ था, जिस पर बेशुमार हेमे नसब थे। कुछ देर ही बाद वादी में जिंदगी सांसें लेना शुरू हो गई। कहीं पालतू घोड़े चरते नजर आ रहे थे, कहीं चिमनियों से धुआं उठने लगा था, कहीं नई मुसाफिरों की आमद शुरू हो चुकी थी तो कहीं नई मंजिलों के सफर के लिए तैयारी की जा रही थी।
नाश्ते के बाद हमारे कदम खुद बहुत झील की तरफ उठने लगे। हर तरफ हरियाली, आसमान से सरगोशियां करते हुए पहाड़, सब्ज नीले पानी। न जाने कितने सालों से ये झील हमारा मन बहलाने की मुंतजर थी। हम कश्ती में बैठकर झील के तिलिस्माती हुसन में डूबते चले गए। होशरुबा फितरी नजारों में डूबी इस झील को देखकर यूं लग रहा था कि जैसे ये झील किसी हुसन प्रस्त की मुंतजिर हो कि वो इस वीराने में आए और इसका हुसन देखकर इस पर आशिक हो जाए। झील के उस पार जंगल नुमा एक सरसब्ज इलाका नजर आ रहा था जो हमारी मंजिल था। इस झील किनारे बैठकर इंसान अपनी परेशानियां और थकान भूलकर कुदरत के दिलकश नजारों में मैं हो जाता है। फितरत का हुसन अपने दामन में समेटे ये झील गर्मी के चंद महीने ही अपने हुसन के जलवे दिखाती है और फिर सारा साल बर्फ की चादर ओढ़े नई मुसाफिरों के हाथ देखती रहती है। झील किनारे बैठे मेरे अंदर अजीब सी कैफियत पैदा होने लगी। यूं महसूस हो रहा था कि बुलंद बाला इमारतों के दामन में दौड़ती हुई जिंदगी से छुटकारा पाकर अपनी बाकी की सांसें इस तिलिस्म नगरी के नाम कर दी जाएं। शायद मेरे अंदर भी कोई खाना बदोश रहता है जो वीरानों में जिंदगी बसाने के ख्वाब देखता है। इस हैरत कदा में कुछ हसीन लम्हे गुजारने के बाद आंखों में खूबसूरत ख्वाब बसाए हम जगमगाती बत्तियों के साए में गुजरती शहर की रूखी जिंदगी की तरफ लौट गए।